हेलो गाइस, वेलकम टू ऑब्सेस्ड प्लेस यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक बैम्बू फार्म जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। तो बिना किसी देरी के चले शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। सिर्फ 55 सब्सक्राइबर्स हैं हम लोग के अभी, और हम लोग चाहते हैं कि ये थोड़ा सा बढ़े, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। तो आप प्लीज़, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है और कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। तो हम जैसे कि देख सकते हैं, हमारा बैम्बू फार्म बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा और ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। सो बनाने में ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। तो हम बिना किसी देरी के चलिए अब शुरू करते हैं इस बैम्बू फार्म को बनाना। सो हमें सबसे पहले 8 ब्लॉक्स 1x8 बाई का हम लोगों को ये डिक कर लेना है यहाँ पे। फिर हमें यहाँ पे एक वाटर स्ट्रीम डाल देनी है और ये हमें एग्जैक्टली 8 ब्लॉक्स ही डिक करना है। और फिर यहाँ पे हम साइड में शुगर केन प्लांट कर देंगे। और शुगर केन प्लांट करने के बाद हमें साइड में एक स्टोन से 8 ब्लॉक्स वाइड हम लोगों को एक लाइन बनानी है, जैसे कि हम लोगों ने वाटर स्ट्रीम के साथ किया था, क्योंकि हम इसके ऊपर पिस्टन्स लगाएंगे। तो हम इसके बाद इसके ऊपर नॉन स्टिकी पिस्टन्स लगाएंगे। याद रखिएगा, हमें स्टिकी पिस्टन्स नहीं लगाने हैं, हमें नॉन स्टिकी पिस्टन्स लगाने हैं। तो ऐसे हमने नॉन स्टिकी पिस्टन्स इसके ऊपर लगा दिए हैं। और नॉन स्टिकी पिस्टन्स लगाने के बाद हमें ऑब्जर्वर लगाने पड़ेंगे इसके ऊपर। तो हमें यह ऑब्जर्वर पीछे की साइड से लगाने हैं ताकि ऑब्जर्वर आगे की तरफ फेस करें। तो हमें ये सारे ऑब्जर्वर हम लगा देंगे सारे पिस्टन्स के ऊपर, एक एक ऑब्जर्वर, ताकि जैसे ही बैम्बू ग्रो हो तो ये ऑब्जर्वर उन्हें देखते ही एक्टिवेट हो जाएं और हमारे पिस्टन्स को एक्टिवेट कर दें, जिससे कि हमारा शुगर केन जो है वो हार्वेस्ट होके वाटर स्ट्रीम के थ्रू चेस्ट में चला जाए। तो अब हम ये एक एक्स्ट्रा लाइन लगाएंगे स्टोन ब्लॉक्स की, और आप कोई भी ब्लॉक इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर हम लोग रेड स्टोन वायरिंग कर देंगे। और याद रखिए, आपको हर ऑब्जर्वर को रेड स्टोन के थ्रू कनेक्ट करना है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। आप सारे ऑब्जर्वर्स को रेड स्टोन के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए। और हमारा ये बनने के बाद फार्म कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये हमारा बेसिक यूटिलिटी तैयार हो चुकी है। हम देख सकते हैं, हम जैसे ही इस शुगर केन को इसमें ग्रो करवाते हैं वैसे ही हमारा फार्म एक्टिवेट हो जाता है और हमें शुगर केन हार्वेस्ट होकर मिल जाता है। सो हमें बेसिकली अब यही फार्म 4 टाइम्स ओवर रिपीट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने चेस्ट के लिए एक जगह बनाएंगे जहाँ पर हम शुगर केन को स्टोर कर सकें। तो हम अपना शुगर केन स्टोर करने के लिए इसके नीचे कुछ थोड़ा सा एरिया डिग कर लेंगे, यूजुअली 4x4 या फिर 6x6 ब्लॉक्स का। यहाँ मैंने 4x4 या 3x3 का एरिया डिग कर लिया है। और फिर हम इसके नीचे चेस्ट रख देंगे, जो कि मैं यहाँ पे ड्यूअल चेस्ट बना रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा स्पेस होती है। फिर हम इसमें हॉपर्स रख देंगे, और इसके ऊपर हॉपर लगाने के बाद हम लोग एग्जैक्टली यही चीज़ दूसरी तरफ भी कॉपी कर देंगे। आपको याद रखना है कि जैसा हमने बनाया था, अब यहाँ पे हम 3 ब्लॉक्स डिक कर लेंगे, 3 ब्लॉक्स दूर एक और A1x8 ब्लॉक्स वाइड हम लोग स्ट्रीम डिक करेंगे, जिसमें हम लोग वाटर फ्लो करा देंगे। और ये वाटर याद रखिए उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में हमारा दूसरी साइड का वाटर है। ये चीज़ यहाँ पे नोट करने के लिए। और हम फिर वही शुगर केन साइड में लगा देंगे। और शुगर केन साइड में लगाने के बाद हम फिर से एक स्टोन वॉल एक साइड में बनाएंगे जो कि 1x8 ब्लॉक वाइड होगी। फिर हम इसके ऊपर अपने पिस्टन्स लगा देंगे, और ये स्टिकी पिस्टन्स नहीं होने चाहिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। फिर हमें इसके ऊपर वही सेम चीज़ करनी है जो हमने अपने इस फार्म में करी थी, हमें इसके ऊपर फिर से ऑब्जर्वर्स लगा देना है। सो ऑब्जर्वर्स लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं, हम इसमें ऑब्जर्वर्स लगा रहे हैं और हम यहाँ पे ऑब्जर्वर्स लगा देते हैं। और ये ऑब्जर्वर्स आपके आगे की तरफ पॉइंट करने चाहिए, इसकी जो आइज़ हैं अगर वैसे नहीं पॉइंट करें तो ये आपका फार्म काम नहीं करेगा बिल्कुल। और हमें दूसरी लेयर बनाने के लिए, सेकेंड स्टोरी बनाने के लिए ध्यान रखिए, हमें स्टेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑब्जर्वर्स के ऊपर हम स्टेयर्स को रख देंगे, और स्टेयर्स के आगे हम लोग ग्रास ब्लॉक से इसको ढक देंगे। और इसकी दोनों साइड हमें एक स्टोन भी लगानी पड़ेगी ताकि जब हम इसमें वाटर रखें तो ये ओवरफ्लो ना करे। तो हमें इसे स्टोन से दोनों तरफ कवर करना है, ये आप ध्यान रखिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फार्म के लिए। और इसमें हमें हर एक स्टेयर में अलग अलग बकेट ऑफ वाटर पानी देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वाटर स्ट्रीम में फ्लो नहीं हो रहा था जब मैंने ट्राई किया। और फिर हम इस ग्रास ब्लॉक्स जो हमने लगाए थे, हम इसमें शुगर केन अपना प्लांट कर देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक स्टोन वॉल बनाएंगे ताकि हम इसके ऊपर अपना वही पिस्टन्स को रख सकें। और ये हमारी सेकेंड फ्लोर, बस ये डिफरेंस है हमारा फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर में, कि सेकेंड फ्लोर में हम लोग स्टेयर्स यूज़ कर रहे हैं वो, और फर्स्ट फ्लोर में हम लोगों ने डिग करा था अपने ग्राउंड को। और फिर हम यहाँ पे ऑब्जर्वर्स लगा देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हम फिर से ऑब्जर्वर्स आगे की तरफ पॉइंट करवा रहे हैं, जिस तरफ हमारा शुगर केन है हम उस तरफ अपने ऑब्जर्वर्स को पॉइंट कर रहे हैं। और सारे ऑब्जर्वर्स हमें उसी डायरेक्शन में पॉइंट करवाने हैं, अगर एक भी ऑब्जर्वर उस डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहा है तो हमें वो चेंज करना पड़ेगा। सो हम ये कर देते हैं, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मेरे कुछ ऑब्जर्वर्स पॉइंट नहीं कर रहे थे सामने की तरफ, तो मैंने उसे हटाया और फिर मैंने नए ऑब्जर्वर्स
लगाए जो कि सामने की तरफ पॉइंट कर रहे थे, और ये बनने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब हमें यहाँ पे शुगर केन अपना लगा देना है, और शुगर केन लगाने के बाद हमारी ये साइड भी तैयार हो चुकी है। और ये साइड तैयार होने के बाद हमें दूसरी साइड भी यही एग्जैक्टली कॉपी कर देना है, लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पे रेडस्टोन वायरिंग करनी पड़ेगी। सो हम वही अपनी स्टोन लगाएंगे यहाँ पे, जो हम पिस्टन्स के ऊपर हम अपना स्टोन वायरिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्टोन्स बिछाएंगे, फिर इसके ऊपर हम लोग अपनी रेडस्टोन वायरिंग कर देंगे। सो इसका सबसे अच्छा फायदा ये है इस टाइप की रेडस्टोन वायरिंग का कि हमें एक ही बार रेडस्टोन वायरिंग करनी पड़ती है, और जब हम दूसरी तरफ यही सेम फार्म कॉपी करते हैं तो हमें दोबारा वायरिंग नहीं करनी पड़ती है, एक ही रेडस्टोन वायरिंग से काम हो जाता है। तो इस टाइप के फार्म में आपकी रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा बचती हैं। सो अब हमने ये रेडस्टोन वायरिंग कर दी है, अब हम ये एग्जैक्ट चीज़ दूसरी तरफ भी बनाएंगे। तो अब हम स्टेयर्स फिर से ले लेते हैं, हम अपने ऑब्जर्वर्स के ऊपर स्टेयर्स रखेंगे। और इस फार्म की सबसे अच्छी चीज़ है, आप इसे कितनी भी बार कॉपी कर सकते हो। मैंने तो इसे सिर्फ 4 times ओवर बनाया है, लाइक मैंने इसकी दो स्टोरी दो तरफ बनाई है, बट आप इसे कितना भी लंबा हॉरिजॉन्टली और कितना भी लंबा वर्टिकली कर सकते हो। तो बेसिकली आप कितने भी शुगर केन इस फार्म से ले सकते हो, इस फार्म से शुगर केन लेना बिल्कुल अनलिमिटेड है। से भी काफ़ी एडवांस फार्म्स आगे लाता रहूँगा, बट ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली फार्म है, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये कोई भी बिगिनर जिसने अभी नया सर्वाइवर वर्ल्ड स्टार्ट किया है वो इस फार्म को बना सकता है। सो आप भी इसे बना सकते हैं, और मैं कई सारे एडवांस माइनक्राफ्ट फार्म्स शुगर केन के, जिसमें आप माइनक्राफ्ट रेल्स का भी यूज़ करते हो, फ्लाइंग मशीन्स का भी यूज़ करते हो, वो फार्म्स मैं आके बनाऊँगा। और आप उसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। सो हमने यहाँ पे अपने पिस्टन्स भी लगा दिए, और पिस्टन्स लगाने के बाद हम इसके ऊपर पीछे साइड अपने ऑब्जर्वर्स लगा देंगे। सो ऑब्जर्वर्स आप देख सकते हैं, ऐसे ही हमें सारे ऑब्जर्वर लगाने हैं जो कि सामने की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कई बार एरर किया क्योंकि मेरे ऑब्जर्वर्स सामने की तरफ नहीं पॉइंट कर रहे थे, तो मैंने इन्हें हटाया और मैं इन्हें दोबारा लगा रहा हूँ ताकि ये सामने की तरफ पॉइंट करें। तो आपको भी ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। और अब हमारा इस टाइप इस साइड का फार्म भी बन चुका है, अब हमें बस यहाँ पे अपने शुगर केन्स को प्लांट कर देना है। तो हमने ये शुगर केन भी अपने इधर प्लांट कर दिए हैं, और ये हमारा फार्म ऑलमोस्ट पूरा रेडी है। आप देख सकते हैं ये बनने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, हमारा फार्म पूरा बन चुका है, तो अब हमें ग्लास से इसको पूरा कवर कर देना है। लेकिन उससे पहले हमें एक एक्स्ट्रा वाटर स्ट्रीम यहाँ पे बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमने सेकेंड स्टोरी भी बनाई है, और सेकेंड स्टोरी से जितने भी हमारे शुगर केन होंगे वो आगे की तरफ गिरेंगे, तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा ब्लॉक डिक करना पड़ेगा हमारी वाटर स्ट्रीम के लिए। तो हम एक एक्स्ट्रा ब्लॉक यहाँ पे डिक कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा बकेट ऑफ वाटर एंड में यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारी वाटर स्ट्रीम बिल्कुल एंड तक आए, और फिर हम अपने इस वाटर स्ट्रीम को अपनी चेस्ट से कनेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक ब्लॉक डिक करना, दो ब्लॉक डीप डिक करनी पड़ेगी हमें हमारी चेस्ट तक की। तो हम इसको 2 blocks डिक डीप कर लेते हैं। सो हमें यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि हम एक ब्लॉक पीछे से इसको शुरू करें जैसे कि मैंने करा है, ताकि ये ओवरफ्लो ना करे और बिल्कुल एंड तक पहुंचे। अभी जैसे यहाँ देख सकते हैं ओवरफ्लो करा है, लेकिन ये एग्जैक्टली 8 blocks है, तो हम जैसे ही यहाँ पे एक ब्लॉक लगाएंगे ये हमारा एग्जैक्टली 8 blocks तक ही वाटर जाएगा और ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो अब हमारे जितने भी शुगर केन होंगे दोनों तरफ से वो डायरेक्टली इस चेस्ट में जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे ग्लास से इसको कवर कर देना, और ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, ये प्योरली डेकोरेटिव पर्पजेस के लिए, आपको जैसा अच्छा लगे आप इसे वैसे यूज़ करिए। मैंने इसमें ग्लास यूज़ किया है क्योंकि मुझे ग्लास काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी एस्थेटिक लग रहा था, आप इसकी जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सो ये बनने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा, हमारा शुगर केन फार्म बन चुका है, और ये देखिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो हमारा शुगर केन फार्म बन चुका है और ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सिर्फ 55 सब्सक्राइबर्स, आई होप हम 100 सब्सक्राइबर्स जल्दी हिट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। I feel like I'm losing my mind.